जमीनी रंजिश में दो पक्षों में चली गोली, दो लोगों की मौत। मैनपुरी में जमीनी रंजिश में दो पक्षों में गोली चली जिसमें दो लोगों की जान चली गई। दोनों मृतक अलग अलग पक्ष के हैं। काफी समय से दोनों पक्षों में एक प्लॉट को लेकर रंजिश चली आ रही थी। प्लॉट पर टेम्पो खड़ा करने को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों में मारपीट के बाद गोली चल गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी है। घटना थाना करहल इलाके के नगला खुंडे गांव की है। यहां एक प्लॉट को लेकर दो पक्षों श्री कृष्ण पक्ष व नंद किशोर पक्ष में काफी समय से विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष प्लॉट पर अपना अपना टेम्पो खड़ा कर रहे थे। बीती रात प्लॉट पर टेम्पो खड़ा करने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बाद मारपीट हो गई। इसके बाद नंद किशोर पक्ष ने श्री कृष्ण पक्ष के श्री कृष्ण के भाई देवेंद्र 35 वर्ष को गोली मार दी। उसे गंभीर हालत में सैफई ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण पक्ष ने नंद किशोर पक्ष के योगराज 65 वर्ष को गोली मार दी। योगराज की भी मौके पर ही मौत हो गई। घटना में नंद किशोर के चार लोगों व श्री कृष्ण के चार लोगों के खिलाफ अलग अलग FIR पुलिस ने दर्ज की है। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी है। थाना करहल में नगला कुंडे मजरा है, वहां पर दो पक्षों के बीच में जमीनी विवाद को लेकर शाम को कुछ शुरू में मारपीट हुई और उसके बाद दोनों पक्षों के द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें एक पक्ष देवेंद्र उम्र लगभग 30 साल की है और दूसरी पक्ष योगराज जो 65 ईयर्स एज के हैं, दोनों की गोली लगने से डेथ हो गई है। दोनों एक ही परिवार के रहते सदस्य हैं, अलग अलग रहते हैं, एक ही पहले एक के अब अलग रह रहे हैं। एक जमीन के टुकड़े को लेकर भी इन लोगों विवाद था। पहले भी इन लोगों में मारपीट हुई थी और निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की गई थी। दोनों का अभियोग दर्ज किया जा रहा है। अधिकारीगण मौके पर हैं और अभियोग दर्ज करके इसमें से कुछ असलहे बरामद किए गए हैं और अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। नाम आपका? गीता देवी। जो मृतक हैं देवेंद्र आपके कौन थे भाई? अच्छा जी, ये जो घटना हुई है किस तरीके से? तो भैया संजा को आए भाई, पर परेशानी हमेशा भी रन मोए बता तो एक दिना तो भाई तो मारो से पाई भरती बहुत हो रही है और जे पुलिस चक्कर काट फिर आती थी और जाकी कोई सुनवाई न हो पाई जब तक वकी जांच चली गई। आपका? रेखा देवी। अच्छा रेखा देवी जी, जो घटना हुई है कि किस बात पे घटना हुई है? फिर टम्पू के डेगन्ना ये दवाई खवाए रहे भैंसिया को, यहाँ दुबक के गोली यही माताई। अच्छा किन्ने मारी? नंद किशोर ने। अच्छा जो मृतक हैं जो आपके कौन थे? पति। अच्छा क्या बच्चे हैं आपके? चार। क्या क्या नाम है उनके? एक वर्षा, शिल्पी, आशीष और परी। अच्छा तो घटना की रिपोर्ट हो गई? रिपोर्ट हो गई थाने की? हाँ रिपोर्ट हो गई। अच्छा क्या नाम आपका? राजेश कुमार। अच्छा राजेश कुमार जी, जो घटना हुई है जिसमें गोली लगी हुई है, क्या घटना क्रम था? जमीन जायदाद के ऊपर था। अच्छा किस किस के बीच झगड़ा हुआ? आनंद के बीच और हाकिम सिंह के बीच। अच्छा जिसमें किसके 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 गोली लगी? देवेंद्र के गोली लगी और हमारे चाचा के गोली मारी उनने। क्या नाम है? बाबा योगराज। कितनी उम्र थी उनकी? उनकी 60-65 की था। तो जमीन का विवाद आपका पहले भी लगभग एक साल पहले हो चुका था, तो कल क्या नौबत आई करने की? कल साहब वही नौबत थी साहब, कैसे जबरदस्ती साहब मार मार के भगा रहे थे, कहते थे ये हमारा है ऐसा, हमारे उनका लेने के लिए तैयार हैं जी। अच्छा अच्छा फिर पुलिस आई मौके पे? पुलिस आई थी सर। तो मौके पर ही मौत हो गई दोनों की? क्या
पुलिस के सामने नहीं मौत हुई, पुलिस बाद में आ पाई, उससे पहले गोली मार गई। अच्छा, मुकदमा हो गया? मुकदमा साहब मुझे अभी हो गया साहब। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।